देख रहे हैं दखल न्यूज। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग अब 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। सोनभद्र नरसंहार पर गरमाई सियासत, मिर्जापुर जा रही प्रियंका गांधी को पुलिस ने लिया हिरासत में। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, पूर्व सरकारों की मजबूत नींव से भारत बनेगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह गिरफ्तार, सड़क पर खून बहाने की दी थी सीएम को धमकी, एक और ऑडियो हुआ वायरल। और छत्तीसगढ़ के सरकारी भवन में मुर्गा पार्टी व जान छलकाने का वीडियो हुआ वायरल, गिरी अधिकारियों पर गाज। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। 15 जुलाई को चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग रोके जाने के बाद अब 22 जुलाई को इसरो का बाहुबली सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV-3 इसको लेकर उड़ान भरेगा। इसरो ने नई तारीख का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 22 तारीख को यह दोपहर 2:43 श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा। इसरो के इस लॉन्च को आप भी वहां मौजूद होकर देख सकते हैं। आम नागरिक भी इस ऐतिहासिक मौके को अपने सामने होता देख सकते हैं। ये किसी के लिए भी बड़ा मौका होगा जब वो चांद के रहस्यों से पर्दा उठते देख सके। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शाम 6 बजे से शुरू हो गए हैं। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, जिसमें लिखा है कि GSLV-3 चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित दर्शक दीर्घा में बैठकर देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई शाम 6 बजे से शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, इसरो ने किसी भी तरह के सवालों के लिए नंबर भी जारी किया है 7382768500 पर फोन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप रजिस्टर कर पाते हैं और आपको चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग देखने का मौका मिलता है तो इसके लिए आंध्र प्रदेश के सुलूरपेट पहुंचना होगा, जो श्रीहरिकोटा के सबसे करीब का रेलवे स्टेशन है। पहले 15 जुलाई को रात 2:51 पर इसका प्रक्षेपण होना था, लेकिन अंतिम समय में तकनीकी खराबी आने से 56:24 पहले रात 1:55 पर उड़ान रोक दी गई थी। इस लॉन्च को देखने के लिए तब 7,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी थी। सोनभद्र में हुए नरसंहार पर सियासत गर्म आ गई है। सोनभद्र जा रही उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी को मिर्जापुर के पास नारायणपुर में हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका को SDM की गाड़ी में बैठाकर चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया। चुनार गेस्ट हाउस परिसर में प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, हाँ हिरासत में लिया गया है, लेकिन मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तय कर चुकी हूँ कि मैं सोनभद्र जाऊंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो भी कर ले हम नहीं झुकेंगे। बता दें कि सोनभद्र में धारा 144 लगी हुई है, जिसके चलते पुलिस ने वहां किसी भी जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इससे पहले प्रियंका सोनभद्र नरसंहार में घायल हुए लोगों से मिलने वाराणसी पहुंची। यहां पीड़ितों से मिलने के बाद वे मिर्जापुर के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में ही प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रियंका तैश में आ गई और उन्होंने सड़क पर ही धरना देना शुरू कर दिया। प्रियंका ने कहा कि पुलिस के पास मुझे मिर्जापुर जाने से रोकने के लिए कोई आदेश नहीं मिला है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पिछली सरकारों की मजबूत नींव के कारण भारत साल 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह बात उन्होंने देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पेश किए बजट में भारत को आने वाले सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात पर कही। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जो लोग कांग्रेस शासन के 50-55 सालों की आलोचना कर रहे हैं, वे भूल रहे हैं कि हमने कहां से शुरुआत की थी और हमने कहां छोड़ा था। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनती है तो हमने करीब करीब 0 से 1.8 ट्रिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। मुखर्जी ने कहा कि आजादी के बाद से भारतीयों के प्रयास के कारण कई आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री कह सकती हैं कि भारत 2024 में $5 ट्रिलियन बन जाएगा, क्योंकि इसकी मजबूत नींव पहले ही रखी जा चुकी है। यह ब्रिटिशों के नहीं बल्कि आजादी के बाद से भारतीय लोगों के प्रयास से संभव हुआ है।
विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही सत्ता पक्ष ने पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह के सड़कों पर खून बहेगा खून कमलनाथ का होगा वाले बयान को लेकर जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा की संस्कृति उजागर हुई है। सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है, प्रदेश के सीएम के खिलाफ ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कोई भी हो ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ के सड़कों पर खून बहेगा खून कमलनाथ का होगा वाला बयान विधानसभा में गूंजा। सत्ता पक्ष ने विधानसभा में बयान को लेकर जमकर हंगामा किया और सदन से बाहर आकर नारेबाजी की। पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के ही कारण विधानसभा दो बार स्थगित हुई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुझे निंदा करने की आवश्यकता नहीं, इसकी पूरे सदन ने निंदा की है, इससे भाजपा की संस्कृति उजागर हुई है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं निंदा करूं। ये जो भाजपा की संस्कृति है ये उजागर हो रही है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने सुरेंद्र नाथ के बयान पर निंदा करते हुए कहा कि भाजपा का यही चरित्र है। इंदौर के आकाश बल्ले कांड का हवाला देकर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री इसमें संज्ञान लिया था, क्या इसको भी संज्ञान में लिया जाएगा, क्या पार्टी सुरेंद्र नाथ को बाहर निकालेगी। विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा को निशाने में लेते हुए कहा कि भाजपा नाथूराम गोडसे के विचारों को प्रतिपादित कर रही है, भाजपा द्वारा प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। एक पूर्व विधायक पूर्व मुख्यमंत्री के बहुत निकट शिवराज सिंह जी के, उन्होंने कहा खून खराबा हो जाएगा और वो खून कमलनाथ का होगा, मुख्यमंत्री जी के लिए कहा। क्या देश के प्रधानमंत्री अब इसको संज्ञान में लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी ऐसे लोगों को निकालेगी? कोई गोडसे को पूछता है, कोई हिंसा को बढ़ावा देता है, कोई हिंसा का मूल मंत्र देता है। क्या चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, देश देख रहा है सबक सिखा। देश के अंदर नाथूराम गोडसे के विचारों को प्रतिपादित करने की कोशिश, इस प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश प्रतिपक्ष के द्वारा करी जा रही है। लगातार इनके विधायक कभी बल्ले से अधिकारियों को मारते हैं, इनके पूर्व विधायक सीएम की हत्या करने की बात करते हैं, सड़कों पे खून बहाने की बात करते हैं। ये गुमटी माफिया जो इस प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, और इनके कई विधायकों के बेटे लोगों को जाति सूचक शब्द और लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो चेतावनी हमारी है कि ये प्रदेश महात्मा गांधी के विचारों का है, ये गोडसे के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर एक भी व्यक्ति इस प्रकार के विचार करेगा उसके ऊपर जेल होना चाहिए। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का सदन को किसी व्यक्ति विशेष को लेकर ना चलने देना कहीं की अच्छी बात नहीं है। नरोत्तम ने कहा कि अगर हम बिजली पानी कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करना चाहते हैं तो हम पर सवाल उठाए जाते हैं, और कांग्रेस व्यक्ति विशेष को लेकर सदन में हंगामा कर रही है। कांग्रेस हमेशा से चर्चा में से भागती है। नरोत्तम ने कहा यह मामला कल का था, सरकार आपकी है, जो कार्रवाई करनी हो कीजिए, लेकिन सदन में हंगामा ठीक नहीं। हालांकि बीजेपी ने इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। हम सदन को बाधित करते हैं जनहित के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो हम गुनहगार हैं। किसी शायर ने कहा है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। क्या स्थिति है कांग्रेस की? आपके पास में कलम है, कानून है, सरकार है। अगर माननीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने कुछ गलत कहा तो कल उन पर कायमी हो चुकी है, आज सदन बाधित क्यों? अगर उनने कुछ गलत किया है तो आप स्वतंत्र हैं, सरकार आपके पास है, लेकिन जनहित के मुद्दों को तो सदन में आने दो, व्यक्ति के मुद्दे को क्यों ला रहे हो? सड़क पर खून बहाने वाले धमकी भरे बयान को लेकर पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह का अब कोई साथ नहीं दे रहा। इस मामले में पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। सुरेंद्रनाथ पर सीएम को धमकी देने वाले बयान को लेकर गुरुवार को टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। सुरेंद्रनाथ सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेसियों ने टीटी नगर थाने का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने राजधानी के प्लेटिनम प्लाजा से पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेंद्रनाथ सिंह को टीटी नगर थाने ले जाया गया, जहां से 11 नंबर कोर्ट रूम में पेश किया गया। मुख्यमंत्री के अलावा नगर निगम के दो कर्मचारियों को
अभद्र शब्दों का प्रयोग और धमकाने का ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसके चलते दो गैर जमानती धाराएं पूर्व विधायक पर लगाई गई हैं। एक नजर पूरे मामले पर। दरअसल नगर निगम द्वारा एमपी नगर से हटाए जा रहे ठेले गुमटियों और बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को प्रदर्शन किया था। विधानसभा का घेराव करने पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में रंगमहल चौराहे से कार्यकर्ता निकले तो उन्हें रोशनपुरा चौराहे के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया। चौराहे पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सभा को संबोधित करते हुए सुरेंद्र नाथ ने कहा कि यह तो सांकेतिक प्रदर्शन था, यदि गरीबों के साथ अन्याय हुआ तो अगली बार बिना सूचना दिए ही बल्लभ भवन में घुस जाएंगे। यहीं पर सुरेंद्र नाथ की जवान फिसल गई और गुमटी व्यवसायियों से नारे लगवाते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़कों पर खून बहेगा। फिर बोले, यह खून कमलनाथ का होगा। इसके बाद मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। उनके खून बहाने वाले बयान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूर्व बीजेपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सुरेंद्र नाथ सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी कमर साकिब को फोन पर धमकाते हुए कह रहे हैं कि यदि अब अतिक्रमण हटाया गया तो नगर निगम की गाड़ियों में आग लगा देंगे और कर्मचारियों को नंगा कर पीटेंगे। सुरेंद्र नाथ सिंह द्वारा धमकाने के मामले में मध्य विधानसभा क्षेत्र के अतिक्रमण प्रभारी महेश गोहर की लिखित शिकायत के आधार पर सिंह पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत के साथ फोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की गई है। पुलिस ने धारा 506-507 के तहत मामला दर्ज किया है। सर, माइक है। सुरेंद्र नाथ अपने बयान को लेकर अकेले पड़ गए हैं। पार्टी नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया है। बताया जा रहा है कि सिंह की इस धमकी पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने नाराजगी जताई है। इस पर बगावती तेवर दिखाते हुए सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि उन्हें किसी कार्यवाही का डर नहीं, क्योंकि वे जनता की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वे जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। सुरेंद्र नाथ ने गिरफ्तारी के दौरान कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो करना चाहें वो कर लें, जितनी औकात हो उतनी धाराएं लगा दो, बाहर आकर निपटूंगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अराजकता का माहौल बना रही है, सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दिया जा रहा ताकि भाजपा कार्यकाल के घोटाले न खुल जाएं। विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा पर भजन कीर्तन के नाम पर 57 करोड़ रुपए कार्यकर्ताओं को बांटने का आरोप लगाया है। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भाजपा अपने घोटाले खुलने के डर से सदन को नहीं चलने दे रही। सदन में बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। लोकतंत्र में ये अच्छा नहीं है, इसकी निंदा की जा रही है। स्मार्टफोन पर हंगामे को लेकर तोमर ने कहा, जिस फोन का वितरण किया गया था उसकी एजेंसी नहीं है और उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी जांच होगी। तोमर ने दीनदयाल रसोईया के नाम पर योजना में घोटाले होने की बात कही और कहा कि योजना में गरीबों का पैसा मारा गया है। आधे घंटे ताला खोला और बंद कर दिया गया, आधे घंटे में कितने लोग खाना खा पाए होंगे ये सोचने का विषय है। तो इनसे रोक रहे हैं जिनमें जनहित के मुद्दे होते हैं कि गरीब के स्वास्थ्य के संबंध में गरीब को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मुद्दे होते हैं, उन पर प्रश्न चलने दे रहे। सदन के बाहर देखिए, इनके विधायक, इनके ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सर्वआम अधिकारियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये भेदा वातावरण क्यों बनाया जा रहा है कि इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप है कि ई टेंडरिंग में कहीं ये जेल ना चले जाए, व्यापम में ये जेल ना चले जाए। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं उनकी परतें ना खुल जाए, इसलिए ये सदन का और बाहर जनता का ध्यान भ्रमित कर रहे हैं। विधायक कुणाल चौधरी ने भजन कीर्तन के नाम पर भाजपा पर 57 करोड़ रुपए कार्यकर्ताओं को बांटने का आरोप लगाया है। कुणाल ने कहा कि एक हफ्ते में कैसे इतने सारे पैसे भजन कीर्तन में बिना बजट के प्रावधान के खर्च किए गए। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को 25,000 रुपए बांटे हैं। कुणाल ने कहा कि प्रश्नकाल में उनके द्वारा इसकी जाँच की मांग की जाएगी। अपने कार्यकर्ताओं को बांटने का एक मामला संज्ञान में आया,
मैंने सवाल उठाया था कि भजन मंडलियों के नाम पे कितने पैसे दिए गए, 57 करोड़ रुपए का जवाब आया। जब मांगा कि किन लोगों को चिन्हित करके दिए गए, उसका प्रावधान क्या था, तो ना तो कोई प्रावधान बताया, ना कोई भजन मंडलियों का नाम बताया। स्पष्ट रूप से 7 दिन के भीतर चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को 25-25 हजार रुपए, जो जनता की गाड़ी कमाई थी, अपने चुनाव में उपयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार दे, बिगर बजट में सेंक्शन करे, बिगर उसके अंदर करके इन्होंने वहां पे जनता को दे, वो उनके कार्यकर्ताओं को दिए। लगातार उसके ऊपर सवाल उठाया, मैंने जवाब मांगा है और मैंने इसकी जांच की मांग करी है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दिवालियापन की कगार पर है, ट्रेजरी विभाग में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, किसी भी डिपार्टमेंट को भुगतान नहीं किया जा रहा। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य सरकार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, राज्य दिवालियापन की कगार पर है, राज्य की स्थितियां ठीक नहीं है और किसी भी डिपार्टमेंट का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो भी कार्य किए जा रहे हैं सब में रोक लगा दी गई है, ऐसे में आम जन परेशान हो रहे हैं। नरोत्तम ने कहा कि ट्रेजरी विभाग में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, डिपार्टमेंट को किसी कार्य का भुगतान पर रोक लगा दी गई है। नरोत्तम ने कहा कि जनता परेशान है कि कांग्रेस नहीं सुन रही, कांग्रेस परेशान है कि मंत्री नहीं सुन रहे, अधिकारियों को तबादले का डर लगा रहता है, पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाएगा। राज्य सरकार दिवालियापन के कगार पे है, 17 दिन से किसी भी वर्क्स डिपार्टमेंट में, जो वर्क्स डिपार्टमेंट है, किसी में भी एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ। ट्रेजरियों को अघोषित आदेश है, आपातकाल अघोषित लगा हुआ है भुगतान नहीं करने का। पूरे प्रदेश में उआपोह की स्थिति है, बरसात के इस सीजन में सारे काम बंद हो गए, आधे अधूरे काम पड़े हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन सरकार चैन में है। एक सांस में सब कुछ बोल जाने वाले खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी की अंग्रेजी के सामने अचानक सांस रुक गई। निजी विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में पहुंचे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी उस समय असहज महसूस करने लगे जब उन्हें अंग्रेजी में भाषण देना पड़ा। जीतू पटवारी ने कहा कि उनको अंग्रेजी का ज्यादा ज्ञान नहीं है, इस दौरान जीतू पटवारी नर्वस भी दिखाई पड़े। वैसे तो नेता अपने भाषण देने के कारण ही ज्यादातर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अगर भाषण अंग्रेजी में देना पड़े तो ये उन नेताओं के लिए कभी कभी मुसीबत बन जाता है जिनका अंग्रेजी से ज्यादा वास्ता ना हो। ऐसे में एक वाक्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी के साथ हुआ। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यक्रम में पहुंचे खेल मंत्री जीतू पटवारी को जब भाषण देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो वो अंग्रेजी में भाषण देने को लेकर नर्वस हो गए। विदेशी भाषा
भाषा ने जीतू पटवारी को नर्वस और असहज कर दिया। जीतू पटवारी ने टूटी फूटी अंग्रेजी में अपनी बात लोगों के सामने रखी और कहा, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं लोगों से कम्युनिकेट कैसे करूंगा। इस दौरान मंच पर बैठे अतिथियों ने भी असहज महसूस किया। मंत्री जी की परेशानी जान सामने बैठे लोग भी मुस्कुराने लगे, मगर मंत्री जी नर्वस होने की क्या जरूरत थी। विदेशी भाषा को ताक पर रखकर शुरू हो जाते मातृभाषा में, आखिर हमारी मातृभाषा ही हमारा अभिमान है। एक सपना होता है मध्य प्रदेश के विद्यार्थी के लिए, उनमें पढ़ना है, उनसे कुछ न कुछ पाना। वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के हमारे और नवाचार हो। और मिस्टर बीन, दिस टाइम आई एम वेरी नर्वस। उसका कारण है, हिंदी जानते हो थोड़ा बहुत? I am this time very nervous. I am not complete in English. So, बैठे बैठे विचार भी कर रहा था, कोई कम्युनिकेट करो भाई। बैठे बैठे विचार भी कर रहा था कि जैसे मेरी स्थिति ऐसी, हमारे बच्चों की वर्ल्ड लेवल पर जाने पे हो गई। सो थैंक्स एंड वेलकम, आपका खूब स्वागत है। आप मैं जोरदार तालियों से विंड जी का स्वागत करूं, कैम्ब्रिज का करूं। मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय हिंद। बिलासपुर कोटा जनपद के सरकारी भवन में कर्मचारी और अधिकारियों का शराब मुर्गा पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में अधिकारी शराब के जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में कोटा एसडीएम आशुतोष चतुर्वेदी ने अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिलासपुर कोटा जनपद के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने पर्यटक स्थल के सरकारी भवन को शराब मुर्गा पार्टी का अड्डा बना रखा है। सोशल मीडिया पर जब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार को संचार संक्रमक समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें जनपद के सभी जनप्रतिनिधि शामिल थे। समिति की बैठक करीब 1.5 घंटे के बाद खत्म हो गई, क्योंकि सभी अधिकारियों का ध्यान शराब मुर्गा पार्टी पर था। वीडियो में अधिकारी शराब के जाम छलकाते हुए और कुछ नेता कैमरे के सामने बोतल लहराते हुए नजर आ रहे थे। अब इस घटना की जानकारी कोटा एसडीएम आशुतोष चतुर्वेदी को, जिला पंचायत सीईओ रितेश अग्रवाल को मिली तो उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कही है। नहर में नहाने जाना 3 दोस्तों को महंगा पड़ गया। नहाते समय एक दोस्त गहरे पानी तक पहुंच गया और डूबने लगा। जब तक उसे कोई बचा पाता, उससे पहले ही वो पूरी तरह से डूब गया और उसकी आवाज आना बंद हो गई। तीनों ही दोस्तों को तैरना ठीक से नहीं आता था। 3 घंटे की मशक्कत के बाद मृतक का शव नहर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में ग्राम सोनपुर के पास स्थित एक नहर में छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम नवीन कामले बताया जा रहा है, जो कि अपने 2 दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था। 3 दोस्त जब नहा रहे थे, तभी अचानक ही नवीन गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते डूब गया। नवीन के डूबने की सूचना गाँव के लोगों ने खमरिया थाना पुलिस को दी, जिसके बाद होमगार्ड के गोताखोरों को बुलाया गया और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद नवीन का शव निकाल पाया। बताया जा रहा है कि तीनों को नहीं आता था। नवीन के पिता ने बताया कि वह आईटीआई के साथ 12वीं की भी तैयारी कर रहा था। मृतक नवीन अपने माँ पिता का इकलौता बेटा था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। हाँ, खमरिया थाने में सूचना मिली थी कि वारनेर नहर में कोई डूब गया है। पता चला कि उसमें पुलिस की टीम लगातार सर्चिंग में लगी थी। एक लड़का 17 साल का नितिन कामले नहाने के लिए गया था और वो डूब गया था। उसको अभी निकलवा लिए हैं और अभी उसके परिजन भी पहुंच गए हैं। अब जो भी उसमें साक्ष्य आएगा, उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में धरना देकर प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि कांग्रेस ने वचन पत्र में जो वादा किया था, उनकी सरकार बनते ही उनको 3 माह के अंदर नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार बने 7 माह हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं किया गया। ऐसे में अतिथि शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक संघ ने नियमित करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि ना तो उनकी मांग को कोई अधिकारी सुन रहा है और ना ही प्रदेश के मंत्री। अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि कांग्रेस अपने वादे से मुकर रही है। कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही उनको 3 माह के अंदर नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी
की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे वचन पत्र में कांग्रेस सरकार ने हमें चुनाव के समय विधानसभा चुनाव में ये वादा किया था कि हम आपको 3 माह के अंदर अपनी सरकार बनते ही नियमित करेंगे, परंतु आज 5 माह और कुछ दिवस बीत चुके हैं, इसके उपरांत भी कांग्रेस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। हमें अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक रोज के रोज घुमाया जाता है, चक्कर कटवाए जाते हैं। क्या हमने इसी वजह से विधानसभा चुनाव में मैदान में जाकर इनका समर्थन किया था? आज हम यहां से नहीं उठेंगे जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलता है। प्रदर्शन करने के ज्ञापन देने आए थे, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, हमारे वचन पत्र का वादा है। हमने उनको कहा है कि अभी हमारी सरकार बने 7 माह हुए, इसमें चुनाव भी आ गए, आचार संहिता भी आई, आपकी हर मांग पूरी करेंगे। इन मांगों को लेकर एक समिति भी मंत्रियों की बनाई गई है, उस समिति निर्णय भी ले रही है, सारी मांगों पर विचार होगा। इनकी जो भावना है समिति तक और मुख्यमंत्री तक हम पहुंचाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस ने जो वचन पत्र में कहा है वह पूरा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के चलते सरकार को कार्य करने का मौका नहीं मिल पाया है। अतिथि शिक्षकों के बारे में विचार किया जा रहा है, एक समिति बनाई जा रही है जो कि नियमितीकरण को लेकर विचार करेगी। प्रदेश सरकार के मंत्री भले ही आंकड़े पर बात करके अपराधों में कमी आने का दावा कर रहे हो, मगर इन आंकड़ों के इतर प्रदेश में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा आप पिता पुत्री की हत्या से लगा सकते हैं। देर रात अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर पिता पुत्री की हत्या कर दी। प्रदेश में हो रही ऐसी घटनाएं सरकार के हर दावे की पोल खोल देती हैं। अवैध वसूली, जुआ, सच्चा शराब के अवैध परिवहन को पकड़ कर पुलिस अपनी पीठ थपथपाने में लगी रहती है। अपराधी बेखौफ होकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। पूरे प्रदेश में आए दिन लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे अपराध हो रहे हैं। अब तो यही सवाल उठता है कि क्या अपराधियों में पुलिस का डर बचा भी है या नहीं। घटना सागर के तिली गाँव की है, जहाँ देर रात अज्ञात लोगों ने पिता पुत्री पर फायरिंग कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक ब्रजेश चौरसिया अपनी पत्नी और पुत्री के साथ कार में कहीं जा रहे थे, तभी अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग कर दी गई। पुत्री ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी बच गई। मृतक की पत्नी का कहना है कि घटना के वक्त वो सो रही थी। बंद कमरे में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से लोग सकते में आ गए। युवक रात को अपने कमरे में सो रहा था, जब उसके परिवार वाले सुबह उसे उठाने गए तो वह मृत अवस्था में मिला। छतरपुर के बड़मलेहरा थाने के दुर्गुआ गांव में युवक का बंद कमरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक दामोदर प्रजापति रात में अपने कमरे में सोया था। सुबह जब परिवार के लोग उसे उठाने गए तो वह मृत मिला। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना लगते ही पुलिस और SDM मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझाने की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले उनके परिजनों ने ही दामोदर की गला दबाकर हत्या की है। बताया जा रहा है कि परिवार का जमीन को लेकर पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले ही जमीन विवाद पर दोनों के परिवारों के बीच झगड़ा भी हुआ था। SDM ने बताया कि परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनको जब मार डालो, हमारे कक्का ने हमारे कक्का के लड़का ने मार दिया। हम जब लड़का ने फोन लगाओ, लड़का ने फोन लगाया, जब हम उसे पहुंचे, हमने देखो तो हमने फिर 100 नंबर को फोन लगा, 108 को फोन लगाया, हम इसे मलेरा ले आए। मलेरा में आए, डॉक्टर ने मृत बताया कि ये तो बहुत पहले ही मर गया, 2 घंटे 3 घंटे। जोन कमरा में जो पड़े थे बाहर रोड तरफ की सागर खुली मिली और साथ चाहिए था, इंसाफ चाहिए हमको। दामोदर प्रजापति की मौत के बारे में उनके परिजन शिकायत कर रहे हैं कि ये हत्या का मामला है, लेकिन चूंकि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा और इस संबंध में फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विवेचना अधिकारी तफ्तीश करेंगे और फिर जो थाने को इस संबंध में निर्देशित किया जा सकेगा। दो परिवारों के बीच आपसी लड़ाई में एक महिला की मौत हो गई। पानी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक परिवार ने दूसरे परिवार की महिला पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। आग लगाने वाले महिला की ससुराल के लोग हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 2 परिवारों के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया था कि गुस्साए रिश्तेदारों ने परिवार की ही महिला को आग के हवाले कर दिया। पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो घटना स्थल पहुंचकर पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला का शरीर 90% तक जल चुका है। पीड़ित महिला के मुताबिक सास ससुर, दो देवर, देवरानी और चाचा ने उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मेरे को मेरे सास ससुर देवर दिरानी हुन्ने मारने
जलाने की कोशिश करी और मट्टी का तेल डाला और जला दिया। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सनराइज के टैंकर में उनका पाइप लगा, मैंने कहा मेरे को पानी भरने दो, मैंने बट जो ने पानी बंद कर दिया, इसलिए मैंने उनको कहा कि तुम पानी भरने दो। बस इतने के लिए उन्हें किधर से चुनगारी आई, किधर से मैं आया पानी में आगे नहीं मालूम, मेरे आदमी को भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। मैं भड़क भड़क जलने लग गई, पानी के लिए विवाद हुआ, टैंकर के लिए विवाद हुआ। बकरा चोरी के शक में गांव वालों ने युवकों की जमकर पिटाई कर दी। गुस्साए ग्रामीण यहीं पर नहीं रुके, इन युवकों की बाइक भी आग के हवाले कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ पर काबू तो कर लिया, लेकिन पिटाई का यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच में बकरा चुराने पहुंचे युवकों की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग तीन युवकों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दो युवक एक बाइक पर बकरा लेकर जा रहे थे, लेकिन भादवा माता मंदिर के पास उनकी बाइक फिसल गई। हादसे के बाद मौके पर लोग उन्हें बचाने पहुंचे, जैसे ही उठाने पहुंचे तो वे मौके से फरार होने लगे। ये देख ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने युवकों को रोककर पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद बकरा होने की वजह से ग्रामीणों को चोरी का शक हुआ। इसी दौरान कुछ लोगों ने इनकी पिटाई शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने इन युवकों की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। गांजे की तस्करी पर अब पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है। लगातार बढ़ रही गांजे की तस्करी सूचना पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के पॉइंट लगाए और इस दौरान पुलिस को एक ट्रक से 3 क्विंटल गांजा पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ट्रक को जब्त कर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस गांजे की तस्करी को लेकर सक्रिय हो गई है। कांकेर पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 3 क्विंटल गांजा बरामद किया है। उड़ीसा से उत्तर प्रदेश जा रहे एक ट्रक की पुलिस ने चेकिंग की तो उसमें 3 क्विंटल गांजा पाया गया। ट्रक में गांजे को छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने गांजे को जब्त कर वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वाहन चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि गांजा उड़ीसा से उत्तर प्रदेश तस्करी करने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ में और भी बड़े ग्रुप की जानकारी मिलने की संभावना है। सुख सागर मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन मनमानी के चलते छात्रों को कॉलेज के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। प्रबंधन ने गेट पर नोटिस लगाकर परिसर में विद्यार्थियों को घुसने से मना कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा। कॉलेज में ना तो प्रोफेसर है ना ही क्लेरिकल स्टाफ है। कॉलेज प्रबंधन 2 से 3 लाख रुपए प्रति सेमेस्टर फीस वसूल रहा है। जबलपुर में सुख सागर मेडिकल कॉलेज प्रबंधक और विद्यार्थियों के बीच टकरार देखने को मिली। प्रबंधन ने छात्रों को कॉलेज परिसर में घुसने से मना कर दिया, जिसको लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों ने कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विद्यार्थियों का आरोप है कि कॉलेज MCI के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। यहां ना तो पढ़ाने वाले प्रोफेसर है और ना ही क्लरिकल स्टाफ की कोई टीम है। कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थियों को धमकी दे रहा है कि जितना स्टाफ है उसी से ही पढ़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर प्रबंधन का कहना है कि छात्रों द्वारा फीस नहीं भरी गई है और स्टाफ से बदतमीजी की जा रही है। विद्यार्थियों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन 2 से 3 लाख रुपए प्रति सेमेस्टर फीस वसूल रहा है, लेकिन सुविधा को नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विद्यार्थी रोज कॉलेज आते हैं, लेकिन घंटों गेट पर इंतजार करना पड़ता है। विद्यार्थियों ने कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर DMI के शिकायत की है। DME ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फीस जमा कर चुके हैं और हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि हम 7वें और 8वें सेमेस्टर की एडवांस फीस इनको पे करें, जिसके लिए हम लोगों ने इनको प्रायर इन्फॉर्मेशन भी दी है कि जब हमारे कॉलेज में MCI के मापदंडों के अनुसार सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी तो हम बेशक इनको फीस देंगे, बट उससे पहले ये हमारे कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए MCI के मापदंडों के अनुसार पूरी फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ, क्लिनिकल पोस्टिंग सबकी व्यवस्थाएं करें। और हमारा शासन से यही अनुरोध है कि वो इन्हें आदेश दें कि इनके जो कॉलेज में कमियां हैं उनको पूरी करी जाए और हमारे जो भविष्य को अंधकार की ओर ना ढकेला जाए और हमारी इसी उसमें मदद की जाए। CI के नॉर्म्स के हिसाब से जो रिकॉग्नाइज डिग्री होती है वो उस कॉलेज से मिलती है जहाँ पे हमारे पीछे 4 बैच हों और 5 रिन्यूअल हों और यहाँ कोई बैच नहीं है, तो हमारा फ्यूचर लटका ही हुआ है। इसके साथ साथ ना यहाँ कोई टीचिंग फैकल्टी है, ना यहाँ पेशेंट लोड है, ना यहाँ क्लिनिकल पोस्टिंग ढंग से लगाई जाती हैं और ये लोग हमारे ऊपर गलत तरह से दबाव भी बनाते हैं गलत लीगल नोटिस भेज के। पहला लीगल नोटिस इन्होंने हमारी अटेंडेंस का भेजा, 3rd ईयर जस्ट अभी चालू ही हुआ है हमारा। इसमें ये लोग जो बच्चे आए भी थे उनको भी 0% का नोटिस भेज दिया, लीगल अटेंडेंस नोटिस, जिसकी एक कॉपी इन्होंने
क्या कहते हैं वीसी से साइन के लिए भी भेजी है, जो कि पूरी तरह गलत है। और फिर ये हमारे इस नोटिस के थ्रू हमारे दबाव बना रहे हैं कि तुम कॉलेज आओ, बिना फैसिलिटी के यहाँ जाके पढ़ाई करो। और इन्होंने हमें ये तक कहा है कि मैं चाहे एक टीचर रहूँ तुम्हें यहाँ पढ़ना पड़ेगा और मैं तुम्हारी अटेंडेंस चेंज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक बार फिर एक और बेटी दहेज लोभियों की शिकार बन गई। छतरपुर के महाराजपुर थाना के नेगुआ में संदिग्ध हालत में भारती की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि भारती के ससुराल वालों ने लाठी और बेल्टों से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। भारती की शादी 7 साल पहले नेगुआ के शिवपाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग और दहेज की मांग करते रहते थे। भारती के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और मांग पूरी ना होने पर उसे पीटा जाता था। हाल ही में वह मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे, जिसकी जानकारी भारती ने अपने परिजनों को दी थी। मोटरसाइकिल ना मिलने से ससुराल पक्ष रोजाना भारती के साथ पिटाई करता था। कल शाम भारती की इन लोगों ने लाठी और बेल्टों से बांध कर जमकर पिटाई की। जब हालात बिगड़े तो वह जिला अस्पताल ले जा रहे थे, तभी भारती की मौत हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने इसकी सूचना नहीं दी। जब वह जिला अस्पताल आए तो मृतक भारती के शरीर पर चोट के निशान देखे, तब तक ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल से भाग गए थे। भारती की मौत के बाद भी उसका पति नहीं आया। भारती की अचानक मौत से परिजन बहुत दुखी है। भारती की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, तब जिला प्रशासन की टीम अस्पताल पहुंची और भारती का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम से कराने की बात कही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। वो वहाँ मारपीट के वजह से उन्हें मारा पीटा है खूब लाठी डंडों से। पहले उनके पति ने मारा उनको, फिर पति मार के भाग गया घर से, फिर उनके घर के लोगों ने मारा, उनके देवर ने, सास ने, ननद ने, फिर उनको मार के जब वो लस्त हो गई मार के, तो फिर उन्होंने जीप खींच के बाहर डाई डाल दी कि वो हो जाएगा कि डाई से खत्म हो गई, वो डाई पी के। अब मार भी के निशान पाए गए डंडे जैसे लाठी या बेल्ट, हमें तो यही लगता है उन्हें अपने हाथों से मार के हत्या की थी। फिर बाद में वो अस्पताल लेके आए, परेशान वो पहले से भी कर रहे थे, पहले से भी वो अच्छे से नहीं रखते थे, कहते थे आप अपने यहाँ से जेल लेके आओ, वो लेके आओ, इसलिए वो परेशान थी। बाप उनका गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है, जितना हद वे दे चुके थे सब कुछ। हाँ, ससुराल की तरफ से मांगे भी हैं, गाड़ी बोल रहे थे वे लोग, कह रहे थे गाड़ी भी मंगा रहे थे और पैसे ऐसे भी मंगा रहे थे। मृत्यु का शव परीक्षण डॉक्टरों के दल के द्वारा किया जाएगा और प्रथम दृष्टया मृत्यु को संदिग्ध पाया जाता है। हाँ, चोट आदि के निशान, घाव आदि के निशान है, वो मैंने अपने पंचनामा में लिख किए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.